लास्ट टॉपिक में हमने देखा था रिलेशनल मॉडल क्या है, आज हम देखेंगे कोड्स के रूल्स। उनका पूरा नाम था एडगर फ्रैंक कोड। वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट व्हाइल वर्किंग फॉर आईबीएम, वो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो आईबीएम के लिए वर्क करते थे। ही इन्वेंटेड द रिलेशनल मॉडल फॉर अ डेटाबेस मैनेजमेंट। उन्होंने ही रिलेशनल मॉडल फॉर अ डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट किया था। डॉक्टर ईएफ कोड डिफाइन अ 13 रूल एंड सेड दैट इफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मीट दिस रूल इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स हमने डेटाबेस के बहुत सारे मॉडल देखे थे, बट उन्होंने कहा था कि जो इन 13 रूल को जो डेटाबेस मॉडल फॉलो करेगा वही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाएगा। दिस रूल्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ डेटाबेस सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग स्टोर्ड डेटा यूजिंग ओनली इट्स रिलेशनल कैपेबिलिटीज। दैट मीन्स इन 13 रूल्स को जो भी डेटाबेस मॉडल फॉलो करेगा वही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल कहा जाएगा, और उनके लिए उसी लिए उस डेटा मॉडल को रिलेशनल कैपेबिलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी एज अ 13 रूल के हिसाब से। सो हम वन बाय इन पूरे 12 रूल्स को देखेंगे। रूल नंबर 1, इंफॉर्मेशन रूल। जो भी डेटाबेस के जितने सारे मॉडल हैं, बट जो भी डेटाबेस मॉडल जो भी रिलेशनल कैपेबिलिटीज फॉलो करेगा उसी के हिसाब से वो होना चाहिए। क्या डेटाबेस मॉडल, जो जितने भी डेटाबेस मॉडल रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बनना चाहते हैं उनको रिलेशनल कैपेबिलिटीज को फॉलो करना ही पड़ता है। फर्स्ट रूल के हिसाब से जो भी डेटा या मेटा डेटा स्टोर होता है ना डेटाबेस के अंदर, वो जितना भी डेटाबेस है टेबल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं वो रूल 1 के हिसाब से वो टेबल के फॉर्मेट में ही होने चाहिए और रिलेशनल कैपेबिलिटीज फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये था इंफॉर्मेशन रूल। देख सकते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि ये एक डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है, पर वो इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्मेट में स्टोर है, टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर होनी चाहिए। ओके, सेकेंड रूल है गारंटीड एक्सेस रूल। दैट्स मीन्स ये रूल क्या देता है कि जैसे डिफाइन करता है कि जो भी हम डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा एक्सेस करेंगे तो जो भी डेटा होगा वो टॉप टेबल के फॉर्मेट में होगा, और टेबल के अंदर कॉलम और रो होती है, दैट्स कॉल्ड टपल। और उस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल है उसको एक्सेस करना है तो हम तीन ही चीजों की मदद से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट उसको एक्सेस करेगा तो हम वायोलेशन किया जाएगा, दैट्स मीन एबिलिटी टू डायरेक्ट एक्सेस वाया पॉइंटर, तो वो वायोलेशन किया जाएगा। इसका भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि इस रूल्स के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में है उस इंफॉर्मेशन को जो हमको एक्सेस करना है तो वो टेबल के नेम से टेबल को नेम के या प्राइमरी की या रो के हिसाब से या एट्रीब्यूट कॉलम के हिसाब से ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। कि जैसे कोई डेटा को एक्सेस करना है, जैसे मुझे कोई डेटा लेना है तो मैं रोल नंबर, मैं कहूंगा कि टेबल स्टूडेंट के नाम के टेबल के अंदर से मुझे रोल नंबर चाहिए, तो मैंने क्या यूज किया, एट्रीब्यूट्स का यूज किया, टेबल का नाम भी यूज किया, और कौन सा डेटा चाहिए तो मैं कंडीशन भी दे सकता हूँ कि वेयर नेम इज इक्वल टू राम, तो मैं रो भी यूज कर रहा हूँ। तो जो भी टेबल के अंदर का डेटा को या डेटाबेस के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो इन तीनों चीजों का यूज होना चाहिए या इन तीनों के चीजों के थ्रू ही होना चाहिए। ओके, अब हम तीसरा रूल पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। दैट मीन्स द डीबीएमएस मस्ट अलाउ ईच फील्ड टू रिमेन नल और एम्प्टी। दिस रूल स्टेट द नल वैल्यू इज इन द डेटाबेस मस्ट बी गिवन अ सिस्टमैटिक एंड यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट। इसका मतलब हम डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन टेबल के फॉर्मेट में होगी और टेबल के अंदर जितनी कॉलम होगी उनके अंदर सब डेटा, बहुत सारा डेटा स्टोर होगा, जो और जो कॉलम के अंदर या जो रो के हिसाब से जो भी वैल्यू नल हो रही है, दैट मीन्स
जो भी वैल्यू नल हो रही है उसको किस हिसाब से देखेंगे कि नल कैन बी इंटरप्रिटेड एज अ डेटा इज मिसिंग, डेटा इज नॉट नोन और डेटा इज नॉट एप्लीकेबल और नो वैल्यू. दैट मीन्स जो भी नल डेटा के अंदर जो भी वैल्यू नल होगी उसको हम किस तरह इंटरप्रिटेट करेंगे कि डेटा मिसिंग है या डेटा नॉट एप्लीकेबल है या वैल्यू उसके अंदर नो वैल्यू है. ओके एंड शुड बी हैंडल कंसिस्टेंटली, नॉट अ जीरो और ब्लैंक. ब्लैंक या जीरो नहीं गिना जाएगा, उसको नो वैल्यू, डेटा इज नॉट नोन या डेटा मिसिंग कहा जाएगा. ओके और प्राइमरी की नॉट नल, प्राइमरी की कभी नल नहीं होनी चाहिए इन दिस रूल के हिसाब से. ओके ये था रूल नंबर 3. अब हम रूल है 4 नंबर, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग. दैट्स मीन जो भी डेटाबेस के अंदर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो टेबल के फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो भी डेटाबेस, जो पूरा डेटाबेस है, जो भी पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम डेटा डिक्शनरी भी बोल सकते हैं और वो पूरा डेटाबेस एक्सेस होगा बट बाय ऑथोराइज यूजर के थ्रू ही होना चाहिए. ओके जो दूसरे डेटाबेस के हिसाब से जो कैटलॉग बने हैं या जो भी स्ट्रक्चर है उसी रूल के हिसाब से कैटलॉग होना चाहिए. और जो डेटाबेस या स्ट्रक्चर को यूज करना है या जो डेटा डिक्शनरी है उसको भी हम सेम क्वेरी लैंग्वेज, जो क्वेरी लैंग्वेज से ही एक्सेस या यूज कर सकेंगे. ओके इस रूल के अंदर ये कहा गया है कि एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, दैट्स मीन जो डेटा डिक्शनरी है वो प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज के ही मदद से ही यूज कर सकते हैं. रूल नंबर 5, अ कंप्रेसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल. दैट मीन्स ये रूल क्या कहता है कि जो भी डेटाबेस रिलेशनल कैपेबिलिटी सपोर्ट कर रहा है और जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा को हमको एक्सेस, स्टोर या मैनेज करना है उसके लिए एक प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए. दैट मीन्स कोई भी डेटा मॉडल होगा, डेटाबेस मॉडल होगा, उसको एक्सेस या कोई भी मैनिपुलेशन करने के लिए एक प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए जिस क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशन भी कर सकते हैं. तो जो भी डेटाबेस मॉडल होगा वो एक प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट करना चाहिए, वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल दिया है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये एक डेटाबेस मॉडल की DBMS का एक सॉफ्टवेयर ही है SQL डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए. इसकी SQL के जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसी की तरह एक प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज होनी चाहिए जो डेटाबेस मॉडल सपोर्ट करना चाहिए. ओके इफ द डेटाबेस अलाउ एक्सेस टू डेटा विदाउट एनी हेल्प ऑफ दिस SQL या कोई क्वेरी लैंग्वेज की सिवाय जो डेटाबेस को कोई भी एक्सेस कर रहा है तो दैट इट इज कंसिडर एज अ वायोलेशन. ओके सो प्रॉपर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट कोई भी एक्सेस करेगा कोई क्वेरी लैंग्वेज के बिगर, दैट्स कॉल्ड वायोलेशन. ओके ये रूल था 5th नंबर. अभी रूल है 6, व्यू अपडेटिंग रूल. दैट मीन्स जो भी डेटाबेस के अंदर व्यू टेबल है जो नॉर्मली एक जगह से चेंज या एक जगह से अपडेट हो रहा है तो उसका बेस टेबल भी अपडेट होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि व्यू मीन्स वर्चुअल टेबल, एक वर्चुअल टेबल है टेम्पररी डिराइव फ्रॉम अ बेस टेबल. एक मेन टेबल है उसके बेस से ही हमने एक टेबल व्यू टेबल बनाया है जो उसी के जैसा ही होगा पर दैट्स कॉल्ड वर्चुअल टेबल. जो हम उस टेबल के वर्चुअल टेबल के अंदर कोई भी अपडेट कर रहे हैं तो बेस टेबल के अंदर भी अपडेट होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इफ अ व्यू इज formed as a join of 3 table, change to view should be reflected in a base table. If हम कोई view table के अंदर कोई भी change करेंगे या कोई भी update करते हैं तो automatically base table में भी update हो जाना चाहिए. ये rule view table को define कर रहा है कि हर जगह view के अंदर भी हम update करते हैं तो automatically base table के अंदर भी update हो जाना चाहिए. Okay? अब हम पढ़ेंगे rule number 7, high level insert update and delete rule. इन रूल नंबर 7 के अंदर हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट का रूल भी होना चाहिए कि हम हाई लेवल मींस इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी जो SQL क्वेरी है उस क्वेरी की मदद से या
उसकी मदद से हम एक डेटा को ही नहीं, लिमिटेड डेटा को ही इफेक्ट नहीं आना चाहिए, हम इंसर्ट डेटा कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट भी डेटा कर सकते हैं। सो ये रूल भी फॉलो होना चाहिए, फॉर नॉट लिमिटेड सिंगल रो, इट मस्ट ऑल्सो सपोर्ट यूनियन इंटरेक्शन एंड माइनस ऑपरेशन टू यल सेट्स ऑफ डेटा रिकॉर्ड। सो हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट रूल भी होना चाहिए इन अ डेटाबेस मॉडल के अंदर। ओके, रूल नंबर 8, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जैसे हम डेटाबेस मॉडल के अंदर DBMS का कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उनके अंदर फिजिकली या लॉजिकली बहुत सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं। ओके, पर जो भी डेटा फिजिकली स्टोर हो रहा है वो नॉट एनी इंपैक्ट ऑन एन एप्लीकेशन। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इजिली समझेंगे। दैट्स मीन्स बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है इन ए टेबल के फॉर्म में, उन टेबल को हमने रीनेम कर दिया या मूव कर दिया टू वन डिस्क टू अनदर डिस्क, सो इट शुड नॉट इफेक्ट द एप्लीकेशन। ओके, देख सकते हैं। लॉजिकल मीन्स बहुत सारे टेबल है जो हम नॉर्मली देखते हैं DBMS के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे टेबल होते जो क्लाइंट इजिली उन टेबल को व्यू करता है, जैसे बहुत सारे टेबल इंफॉर्मेशन स्टोर है इन ए टेबल के फॉर्मेट, दैट्स कॉल्ड लॉजिकल व्यू। ओके, इसको लॉजिकल व्यू बोल सके क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में है, बट रियल में इस जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है बैकएंड साइड जो भी होती है वो फिजिकल व्यू के हिसाब से देखे जाए तो वो एक फाइल के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है, बट इसको लॉजिकल व्यू में देखेंगे तो यही डेटा हमको टेबल के फॉर्मेट में दिखता है, जो फाइल्स को हम कहां पे भी मूव या रिनेम या कुछ भी करते हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट आनी नहीं चाहिए। ओके, ये रूल कहता है। रूल 9, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। दैट्स मीन लॉजिकल डेटा, आपने देखा था कि जो भी डेटा होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है जो क्लाइंट इजीली व्यू कर सकता है, दैट्स कॉल्ड लॉजिकल डेटा। उस लॉजिकल डेटा के अंदर हम जो भी लॉजिकल जो भी फॉर्मेट हम व्यू कर रहे हैं लॉजिकल डेटा वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए जो यूजर जो व्यू कर रहा है वो। दैट मीन्स इफ एनी चेंज इन अ लॉजिकल डेटा या टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो मस्ट नॉट इम्प्लाय एनी चेंज इन द एप्लीकेशन यूजिंग, उस एप्लीकेशन को एक्सेस या यूज करने में कोई चेंज आना नहीं चाहिए, दैट्स कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल If two table are merged or one is split into two different table, there should be no impact the change on the user application. हमने एक table है, उसको merge कर रहे, दो table को एक table में merge कर रहे या एक table को दो table में separate कर रहे या split कर रहे, that time application के ऊपर कोई effect नहीं आना चाहिए। This is one of the most difficult rule to apply. In इस ninth number के rule को इन सब रूलों के अंदर मोस्ट डिफिकल्ट रूल कहा गया है। ओके, रूल नंबर 10, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। तो जो भी हम डेटाबेस होगा हमारे डेटा मॉडल के अंदर या जो भी डेटाबेस है वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट होना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। दैट मींस ये रूल क्या कहता है कि जो भी हम डेटाबेस के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो नॉर्मली इंडिपेंडेंटली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसकी इंटीग्रिटी कंट्रोल में ही होनी चाहिए। ओके, इंटीग्रिटी रूल्स। फिल्टर टू अलाउ करेक्ट डेटा शुड बी स्टोर्ड इन अ डेटा डिक्शनरी। जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं वो करेक्टली स्टोर होना चाहिए इन अ डेटा डिक्शनरी। ओके, जो इजीली हम उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इजीली उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं वेरी इंडिपेंडेंटली, और उसकी वजह से ये रूल कहता है कि इंटीग्रिटी नॉर्मली रहनी चाहिए इन दिस डेटाबेस डिक्शनरी के अंदर। रूल नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। हम जो भी डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो हम लॉजिकली व्यू कर सकते हैं, पर वो डेटा कौन सी फिजिकली कौन सी जगह पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वेरियस लोकेशन पे वो यूजर को नहीं पता चलना चाहिए इन दिस रूल के हिसाब से। यूजर को तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी डेटाबेस के अंदर हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की है वो ओनली वन साइट से ही आ रहा है, एक ही लोकेशन पे स्टोर है और वो हम इजीली व्यू कर रहे हैं। सो दैट मींस
ये रूल हमको बताता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो वेरियस वेरियस डिफरेंट लोकेशन के अंदर होती है, पर यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आ रहा है डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही लोकेशन से हो रहा है. दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस. रूल नंबर 12, नॉन सबवर्जन रूल. ये रूल डिफाइन करता है कि हमने इंफॉर्मेशन देखी थी अभी इन अ डायग्राम आगे के रूल के अंदर, एक इंफॉर्मेशन लॉजिकल व्यू में देखा था और एक फिजिकल व्यू में देखा था. दैट्स मीन लो लेवल रिकॉर्ड, दैट्स मीन फाइल के टाइप में जो भी रिकॉर्ड हमारा स्टोर होता है एज अ फिजिकल लेवल के हिसाब से, उसके अंदर हम कोई भी इंटरफेस या कोई भी चेंजेस या कुछ भी करते हैं तो सिस्टम एंड बाईपास सिक्योरिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, सो कंट्रोल में ही होनी चाहिए. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो इजीली पता चलेगा. हम लो लेवल, दैट्स मीन जो भी फाइल हमने व्यू कर रही है, जैसे भी हमने टेबल के व्यू हम कर रहे हैं जो लॉजिकल व्यू है, उसका हम फिजिकल व्यू, दैट्स मीन जो भी फाइल बनी हुई है उन टेबलों की, उन फाइलों के अंदर हम डायरेक्टली कोई चेंज कर रहे हैं या कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्टली, तो उसकी वजह से सिस्टम की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऑन टेबल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए. या लो लेवल पे हम कोई भी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी नॉर्मली मेंटेन ही होनी चाहिए, उसके अंदर चेंज आना नहीं चाहिए. ये रूल था 12 नंबर. आज हमने देखा कोड्स के रूल्स को. नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन क्या है.